आज की क्लास में हम बात करेंगे अलाइनमेंट्स ऑफ कैनाल एंड लेआउट कैनाल की। सो कैनाल अलाइनमेंट्स की बात करें हम लोग, तो एक कैनाल बेसिकली क्या होती है, ऐसे अलाइंड होना चाहिए इन सच ए वे दैट इट कवर्स द इंटायर एरिया टू बी विच इज प्रपोज फॉर इरीगेशन। जो भी इरीगेशन के लिए हम लोग प्रपोज कर रहे हैं एरिया को, वो पूरे के एरिया को वो क्या करे, अलाइंड कर ले या फिर कवर कर ले, ताकि हम लोग जितने भी एरिया में हमें इरीगेट करना है वो प्रॉपरली इरीगेट हो सके। इसमें एक और मेन पॉइंट निकल के आता है, दैट इज कैनाल अलाइनमेंट में बेसिकली तो हमें पॉसिबल लेंथ जो है कैनाल की वो शॉर्टेस्ट रखना है, ताकि हम लोग उसकी क्या है मिनिमम कॉस्ट ऑफ क्रॉस ड्रेनेज कर सकें, और ताकि हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आ सके, और प्रपोज्ड उतना हमें रखना है ताकि हम लोग इरीगेट कर सकें उस फील्ड को। तो सबसे पहला पॉइंट बेसिकली क्या निकल के आता है, दैट इज ए कैनाल शुड बी अलाइन इन सच ए वे दैट इट कवर्स द इंटायर एरिया टू बी प्रपोज टू बी इरीगेटेड एंड विथ मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। यहां पर हम लोगों ने दिस इज नोन एज द कैनाल अलाइनमेंट। मेन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन कैनाल होती है विच इज जनरली टेक वाइल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द रिवर शुड बी इट शुड बी माउंड द वॉटर शेड्स और द रिज इन द एरिया एट द सेम पॉइंट सम पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। मतलब कि जो मेन कैनाल बेसिकली होती है वो क्या होती है, या तो रिज पे बनी होती है बेसिकली, और वो पॉसिबल डिस्टेंस उसकी क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि वो जितना भी पानी हम लोग दे रहे हैं रिवर से, जितना भी पानी वो ऑफ टेक कर रही है रिवर से, इट शुड बी प्रॉपरली वो क्या करे इरीगेट कर सके। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, दैट इज अलाइनमेंट में, तो अलाइनमेंट ऑफ कैनाल शुड बी इन सच दैट एज फार एज पॉसिबल ए बैलेंस्ड डेप्थ ऑफ कटिंग एंड फिलिंग शुड बी अचीव्ड। मतलब कि हमारी कैनाल का कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए या ऐसा एरिया हमें उसको लेना है, ताकि हम लोग जो कैनाल के लिए कटिंग कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली कैनाल हम लैंड पार्ट पे यदि उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें किसी जगह पे कटिंग करना पड़ेगा, किसी जगह पे फिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वी नो दैट कि हमारा जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है वैलीज भी आती, कहीं कहीं जगह पे हमारा क्या है अप्स एंड डाउन्स होते हैं सरफेस पे। तो सो बेसिकली वहां पर कटिंग और फिलिंग बेसिकली हम लोग क्या है बैलेंस्ड डेप्थ, जहां पर मिनिमम डेप्थ हमें कैनाल की लेना है, ताकि वहां पर हम लोग क्या है कर सके इन दोनों टर्म्स को क्या कर सके बैलेंस्ड कर सके। हमें जितना कटिंग करना है उतना ही हमें फिलिंग करना है, ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेसिकली वो क्या होगा यहाँ पर मिनिमम होगा। सो बेसिकली कैनाल अलाइनमेंट में हम देखेंगे तो मेन टाइप ऑफ कैनाल बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, दैट इज रिज कैनाल। रिज कैनाल की हम लोग यदि बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर शेड कैनाल्स। वाटर शेड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐसा एरिया लैंड ऑफ एरिया होता है बेसिकली, ऐसा एरिया ऑफ लैंड होता है जहां से हमारा जितना भी पानी रेनफॉल वाटर आता है वो क्या करता है कि स्ट्रीम में हम वो पानी को क्या करता है रिवर में ट्रांसफर करता है। उस एरिया ऑफ लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं। सो बेसिकली aligned this canal, ridge canal is basically aligned along the ridge or natural watershed lines. जो natural watershed line होती है उसके along ये क्या होती है aligned होती है ridge canal. It can be irrigated both sides of जो भी हमारी ridge है उसके दोनों side पे ये क्या करती है irrigate कर देती है, और it can be irrigated, hence a large area can be irrigated by this canal. सो बेसिकली इस कैनाल से क्या है हम लोग लार्ज एरिया को भी क्या कर सकते हैं इरीगेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस ड्रेनेज वर्क की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम लोग बेसिकली आगे की क्लास में देखेंगे क्या होता है। दे बेसिकली ये क्या होती है, ये लाइन बेसिकली इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल से जनरली हम लोग जितना हम लोग पैसा लगा रहे हैं हम लोग उतना ये जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं लैंड को इरीगेट कर सकते हैं, तो इट इज इकोनॉमिकल। नेक्स्ट हमारी जो अलाइनमेंट में आती है बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ कैनाल्स में टाइप्स में यदि देखें तो दैट इज कंटूर कैनाल। और कंटूर से हम लोग बेसिकली सर्वे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंटूर लाइंस क्या होती हैं। कंटूर लाइंस बेसिकली जहां पर रिड्यूस लेवल, जिन पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल को हम लोग एक लाइन से कनेक्ट करते हैं, यदि रिड्यूस लेवल किसी भी पर्टिकुलर बहुत सारे पॉइंट्स के सेम आए हैं हमारे सेम आरएल है और उन्हें हम लोग यदि किसी लाइन से कनेक्ट करते हैं दैट इज कंटूर लाइन। और ये बेसिकली कंटूर कैनाल जो होती है वो अलाइंड होती है नियरली पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री। कंटूर लाइंस जो होती है कंट्रीज की
उसके पैरेलल ये क्या है, हम कंटूर कैनाल को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड इट कैन इरिगेट द एरिया ओनली इन वन साइड। ये एक ही साइड का एरिया क्या करती है, इरिगेट करती है बेसिकली। ग्राउंड लेवल ऑन द अदर साइड इन दिस टाइप ऑफ कैनाल इज हायर, जो ग्राउंड लेवल है वो क्या होती है, इस कैनाल के हायर होती है, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट ए बैंक ऑन द साइड्स। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इस कैनाल के लिए हमें कोई बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, जो कि हम लोग अलोंग द कैनाल कंस्ट्रक्ट करें, ताकि क्योंकि यहाँ पर एक साइड में हमारा क्या होता है बेसिकली, जो भी एक साइड में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हायर लेवल होता है, ताकि हमें बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। यहाँ पर क्या होता है कि जनरली देखा जाए तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बेसिकली रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज अलाइनमेंट में, दैट इज साइड स्लोप कैनाल। यदि हम साइड स्लोप कैनाल की बात करते हैं तो इट इज अलाइंड रफली एट द राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री। यदि कंटूर लाइन यदि बनी हुई है, उसके राइट एंगल में हम लोग कोई कैनाल को डिजाइन कर रहे हैं, कोई कैनाल को हम बना रहे हैं, दैट इज साइड स्लोप कैनाल्स। इट इज नीदर बेसिकली ऑन द वॉटरशेड नॉर इन द वैली। ये किसी वॉटरशेड या वैली में कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। इट इज रफली बेसिकली पैरेलल टू द ड्रेनेज ऑफ द कंट्री। इट इज रफली पैरेलल टू द ड्रेनेज ऑफ कंट्री एंड टू, सो द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड जनरली इन दिस कैनाल्स। इट कैन ऑल्सो इरीगेट द एरिया ऑन वन साइड। ये सिर्फ वन साइड में ही, ओनली वन साइड का ही एरिया को क्या करती है, इरीगेट करती है। सो बेसिकली इट हैज वेरी स्टिप बेड स्लोप। इसमें क्या होता है, बहुत स्टिप बेड स्लोप होता है। सिंस द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज एट राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ द कंट्री। यहां पर जो डायरेक्शन है स्टीपेस्ट स्लोप का, वो क्या होता है, राइट एंगल होता है कंटूर लाइंस के कंट्री के। सो बेसिकली ये हमारा कुछ जनरली कैनाल्स के टाइप्स थे, अलॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ कैनाल्स, हम लोग कैसे अलाइन कर सकते हैं कैनाल्स को जनरली ऑन द ग्राउंड में। सो नेक्स्ट हमारा बेसिकली क्या आता है, दैट इज यदि हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जनरली क्या आता है, लेआउट ऑफ कैनाल्स। लेआउट ऑफ कैनाल्स में यदि हम बात करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। सो बेसिकली यदि हम देखें तो हमारा वाटर शेड लाइन्स यहाँ पर दी हुई है। ये वाटर शेड लाइन है बेसिकली, जो कि हमारा जितनी भी स्ट्रीम ऑफ वाटर है बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, वाटर को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर ये जो कैनाल आया है बेसिकली एरिया को इरिगेट करने के लिए, दैट इज मेन कैनाल। ये क्या है, हमारा मेन कैनाल है। यदि हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट कैनाल की, तो दैट इज ये हमारा क्या है बेसिकली, हम यदि बात करें इसकी, तो ये हमारा ब्रांच कैनाल है, दैट इज मेन कैनाल के बाद हमारा क्या आता है, दैट इज मेन कैनाल के बाद ब्रांच कैनाल आता है, दैट इज बी। इसको हम लोग डिनोट करेंगे बी से। बी के बाद हमारा बेसिकली मेजर कैनाल आएगा, देन माइनर कैनाल आएगा। दिस इज नोन एज मेजर कैनाल एंड दिस इज नोन एज मेजर एंड दिस इज नोन एज माइनर कैनाल। ब्रांच कैनाल से हमारा जितना भी लेआउट निकलता है, दैट इज ये हमारा ब्रांच कैनाल हो गया। ब्रांच कैनाल से हम लोग का नेक्स्ट आता है, दैट इज मेजर कैनाल। ये हमारा क्या है, मेजर कैनाल है। और मेजर कैनाल से जनरली हमारा क्या लेआउट निकलता है, माइनर कैनाल के लिए, माइनर कैनाल के लिए। सिमिलरली सारी डायरेक्शन में हम देखें तो ये हमारा ब्रांच कैनाल है, ये हमारा ब्रांच कैनाल है बेसिकली। यहाँ पर देखें हम तो ये ब्रांच, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, दैट इज मेजर कैनाल, और यहाँ पर नेक्स्ट आता है माइनर कैनाल के लिए, माइनर एंड मेजर। सो दीज आर द लेआउट्स ऑफ कैनाल्स। यदि बात करें, यदि मेन कैनाल की हम लोग बात करें, तो मेन कैनाल बेसिकली क्या होता है, इट इज ए प्रिंसिपल कैनाल। प्रिंसिपल कैनाल होता है किसी भी कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। इट टेक्स द हेड वर्क्स डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स और रिजर्वॉयर से डायरेक्टली। ये क्या करता है, मेन कैनाल जो भी आता है, ये पानी को डायरेक्टली रिवर से पानी को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। डायरेक्ट इरीगेशन इज नॉट यूजली कैरिड आउट बाई मेन कैनाल, क्योंकि यहाँ पर फ्लो वाटर बहुत हाई होता है या डिस्चार्ज बहुत हाई होता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, मेन कैनाल से हम लोग डायरेक्टली फील्ड को इरीगेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग ब्रांच और माइनर और मेजर की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी फील्ड को इरीगेट करने के लिए। इट इज लार्ज कैपेसिटी कैनाल, इट कैन सप्लाई बेसिकली। ये क्या है, लार्ज कैपेसिटी कैनाल्स होती है। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच कैनाल की, तो ब्रांच कैनाल में बेसिकली इट कैन, ब्रांच कैनाल्स आर द इरीगेशन कैनाल्स विच जनरली टेक ऑफ फ्रॉम द मेन कैनाल, और इधर जो भी कैनाल साइड में दी हुई है उससे क्या करेंगे, ब्रांच कैनाल पानी लेंगे। लार्ज ब्रांचेस बेसिकली
नो डायरेक्ट इरिगेशन, ये जो लार्ज ब्रांचेस होती हैं, जो ब्रांच यदि बड़ी हुई है तो वो हमें क्या जनरली इरिगेट नहीं करेगी, डायरेक्ट इरिगेशन नहीं करेगी, उसके लिए हमें मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट होता है स्मॉल, यदि ब्रांचेस दी हुई है तो इट कैन डायरेक्टली आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड टू बी इरिगेट लार्ज एरिया, किसी भी लार्ज एरिया को इरिगेट करना है और यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ब्रांच कैनाल की तो हम लोग इजिली उसको इरिगेट कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं जनरली इट कैरी डिस्चार्ज ऑफ ओवर, कितना ब्रांच कैनाल बेसिकली कितना डिस्चार्ज ले सकता है, दैट इज 5 cubic meters, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड के डिस्चार्ज से ऑलरेडी ये इतना डिस्चार्ज ले सकता है ब्रांच कैनाल। यदि मेजर, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेजर कैनाल या माइनर कैनाल या मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज या माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज की, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज बेसिकली क्या होती है, दिस डिस्ट्रीब्यूटरी आर इरिगेट कैनाल्स टेक ऑफ फ्रॉम ब्रांच कैनाल और समटाइम फ्रॉम मेन कैनाल्स। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी बेसिकली कभी कभी ब्रांच कैनाल से भी पानी ले सकती है या फिर डायरेक्ट फ्रॉम द मेन कैनाल से भी क्या कर सकती है, पानी को ले सकती है। जनरली इट कैन कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ बिटवीन, यदि हम देखें मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज की तो ये जनरली कितना डिस्चार्ज ले सकता है, ये डिस्चार्ज 0.25 से लेके ये 0.5 cubic meters तक मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज के बीच में कहीं हमें क्या करते हैं वाटर को फ्लो करा सकता है। दे आर जनरली यूज्ड फॉर डायरेक्ट इरिगेशन, ये डायरेक्ट इरिगेट कर सकते हैं। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज की यदि रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज भी ऑलरेडी इरिगेट कर सकता है फील्ड को। नेक्स्ट आता है दैट इज माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज बेसिकली इरिगेट करता है, इट इज ए इरिगेशन कैनाल विच इज टेक ऑफ फ्रॉम मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज और ब्रांच कैनाल्स। ब्रांच कैनाल से या तो डायरेक्टली पानी ले सकता है या मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज से पानी ले सकता है। इट जनरली ये क्या करता है, माइनर जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू बेसिकली इसकी कितनी होती है, 0.25 meters cubed per second, इसकी डिस्चार्ज की वैल्यू 0.25 meters cubed per second। नेक्स्ट आता है बेसिकली दैट इज फील्ड चैनल, फील्ड चैनल बेसिकली हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, फील्ड के अंदर हम लोग जितने भी चैनल्स को प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे चैनल्स को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फील्ड चैनल्स। जो आउटलेट होता है जैसे ड्यूटी होता है बेसिकली, आउटलेट्स आर प्रोवाइडेड इन द इरिगेशन कैनाल्स एट रिक्वायर्ड प्लेस, जितना भी हमें जहां जहां रिक्वायर्ड है हम लोग क्या करते हैं फील्ड चैनल को बना देते हैं। बेसिकली वाटर कोर्स, ये स्मॉल चैनल्स होते हैं जनरली, इट कैरी द वाटर फ्रॉम द आउटलेट्स ऑफ द मेजर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज और ब्रांच कैनाल टू द फील्ड टू बी इरिगेटेड। ये जहां जहां हमें ये पानी कहां से ले सकते हैं, या तो मेजर से माइनर से या फिर मेन कैनाल से बेसिक या ब्रांच कैनाल से बेसिकली क्या कर सकते हैं, पानी को ले सकते हैं। और जनरली पानी लेने के बाद ये क्या करते हैं, अंदर जितनी भी फील्ड होती है, फील्ड के अंदर जितनी भी कैनाल्स होती है, दैट इज वाटर कोर्सेज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कोर्स बोलते हैं या फिर फील्ड कैनाल बोलते हैं। तो आई होप आपको आज इतना लेक्चर हमारा समझ में आया होगा, दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल्स के बारे में हमने बात की हुई है बेसिकली। और हमने देखा कि मेन कैनाल्स क्या होती है, दैट इज द लेआउट हमारा क्या है कैनाल्स सिस्टम्स का हमारे प्लेन पे, हमारे अर्थ के सरफेस पे। सो बेसिकली दीज आर द मेजर, यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखें तो बी क्या है, बेसिकली ब्रांच कैनाल से मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मेन कैनाल्स एंड वाटरशेड कैनाल्स। सो बेसिकली दीज आर द टॉपिक्स टू बी अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।